न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। रेवाड़ी की अनाज मंडी में एक बार फिर सरकार के खिलाफ गरजे। स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय संयोजक योगेंद्र यादव ने चेतावनी भरे शब्दों में आगाज किया धरने का और कहा कि अब किसानों के साथ धोखा नहीं होने देंगे। 1950 से एक रुपया कम बाजरा नहीं बेचेंगे। अगर सरकार ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की तो वे अनिश्चित काल के लिए प्रदेश के किसानों के साथ धरने पर बैठ जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमेशा वादा खिलाफी और धोखे के अलावा कुछ भी नहीं किया। इस बार बाजरे का दाम 1950 रुपए से कम किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब प्रदेश का किसान जाग चुका है और सरकार की नियत और नीतियों से वाकिफ हो चुका है। सरकार को चाहिए कि बाजरे की फसल मंडी में आने लगी है, इससे पहले खरीदने के सभी पुख्ता इंतजाम कर लिए जाएं। बटाई और मजदूरी पर काम करने वाले किसानों को भी सरकार बाजरे का न्यूनतम मूल्य समर्थन मूल्य पर दे। समय पर खरीद शुरू हो ताकि किसानों को उसका मेहनताना समय पर मिल सके। अगर सरकार ने किसानों की इन जायज मांगों को नहीं माना तो आने वाली 30 सितंबर को प्रदेश का एक एक किसान दिल्ली पहुंचकर अपनी आवाज बुलंद करेगा। स्वराज इंडिया किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और आगे भी इसी तरह खड़ी रहेगी। किसी भी कीमत पर किसानों की आवाज को दबने नहीं दिया जाएगा। वहीं उन्होंने हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा बिजली के बड़े दामों को आधा करने का जो ऐलान किया है उसको लेकर भी जबरदस्त वार किया और उसे चुनावी स्टंट और प्रदेश की भोली भाली जनता के लिए एक भद्दा मजाक बताया। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। दक्षिण हरियाणा का किसान आज जाग चुका है, प्रकृति की मार से मरा है, सौतेली सरकार के व्यवहार से मरा है, गुलामी के अपने संस्कार से यहाँ का किसान मरा है। लेकिन अब ये किसान जाग चुका है और आज की चेतावनी धरना जो है वो उसका प्रतीक है। किसान चेतावनी देने आया है सरकार को कि आपने पिछले साल हमारे साथ धोखा किया, हर साल हमारे साथ धोखा करते हो, इस बार धोखा नहीं सके। 1950 का दाम दिया गया है, सरकार की तरफ से घोषित किया है। हर बार की तरह से इस बार भी खेल यही है कि दाम कुछ भी घोषित कर दो, किसान को देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बार सिर्फ रेवाड़ी मंडी में ही नहीं, इस पूरे इलाके में एक भी बोरी नहीं बिकेगी 1950 से कम। किसान ये मांग करने आया है कि अगर आप अपनी एमएसपी के प्रति गंभीर हो तो तत्काल सरकारी ऑर्डर इश्यू करो, रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 जो रखी है इसको समाप्त करो, मंडी के अंदर इसकी व्यवस्था करो कि खरीदारी की जाए, और सरकार की तरफ से दोगली बातें करना बंद करो। एक मंत्री कहते हैं कि हम सिर्फ 10 लाख क्विंटल खरीदेंगे, दूसरे मंत्री कहते हैं नहीं हम एक एक दाना खरीदेंगे। इससे सरकार की बदनीयती जाहिर होती है और आज दक्षिण हरियाणा का किसान ये चेतावनी देने आया है कि अब हम इस दोगले पंथी का खेल नहीं बर्दाश्त करेंगे। अब दक्षिण हरियाणा का किसान अपना अधिकार लेना जान गया है और इस अधिकार को लेने के लिए 30 नवंबर को दिल्ली तक मार्च करेगा यहाँ का किसान। ये चेतावनी सरकार के लिए है, ये चेतावनी यहाँ के नेताओं के लिए है, ये चेतावनी फर्जी किसान संगठनों के लिए है, ये चेतावनी किसान को ठगने वाले हर व्यक्ति के। घोषणा करते क्या जाता है, जब करेंगे तो देखा जाएगा। हकीकत ये है ना, बिजली की पूरी आपूर्ति हुई है और बिजली के बिल बढ़ाए हैं इस सरकार ने। बिजली के बिल बढ़ाने वाली सरकार जब कहती है कि आधे हो जाएंगे, इस पर किसे भरोसा होगा। इस तरह के स्टंट, इससे हरियाणा की जनता आधे जा चुकी है, हरियाणा की जनता इससे ज्यादा देख रही है। तो सब चुनावी स्टंट है, जिस दिन करेंगे तो पता लगेगा। हमने बार बार साफ साफ कहा है कि 2019 का चुनाव या तो जवान और किसान का चुनाव बनेगा, नहीं तो हिंदू और मुसलमान का बनेगा। जवान और किसान का बनेगा तो देश आगे बढ़ेगा, जो मर्जी पार्टी जीते, और अगर हिंदू मुसलमान का बनेगा तो देश पीछे हटेगा। हमारी राजनीति ये है, हमारा उद्देश्य ये है कि इस चुनाव में जवान का और किसान का सवाल सबसे बड़ा बने। जो किसान के साथ सच्चाई से व्यवहार कर सके वो विधानसभा में बैठे, वो संसद में बैठे, ये हमारा उद्देश्य। अब सरकार से क्या, नंबर एक, सरकारी आदेश
खरीदारी के बारे में तुरंत जारी किया जाए। नंबर दो, 1 अक्टूबर से पहले खरीदारी शुरू की जाए क्योंकि बाजरा यहाँ जल्दी आ जाता है। नंबर तीन, रजिस्ट्रेशन की औपचारिकता की तारीख आगे बढ़ाई जाए, हो सके तो रजिस्ट्रेशन की औपचारिकता समाप्त की जाए। नंबर चार, बटाई के जो किसान हैं और जो ठेके पे खेती करते हैं उनको भी MSP का दाम मिले। और नंबर पांच, सरकार लिखित रूप में ये स्पष्ट करे कि बाजरे की खरीद की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी, हर दाने को खरीदा जाएगा। ये पांचों मांगे करते हुए हम सरकार के सामने, अगला बड़ा कदम होगा कि जब बाजरे की खरीद शुरू होती है सरकारी तारीख के हिसाब से, स्वराज इंडिया की तरफ से हम यहाँ पे किसानों के साथ बैठ जाएंगे और अगर एक भी बोरा 1950 से कम पे बेचने की कोशिश की तो मंडी रुक जाएगी। सिर्फ रेवाड़ी की नहीं, प्रदेश भर की मंडियों के अंदर ये प्रदर्शन किया।